नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस स्ट्रीट में। आजकल बिजनेस स्ट्रीट में इको फ्रेंडली फर्नीचर बेहद लुभावने रूप में मिल रहा है। इसके अलावा टैटू की दुनिया भी काफ़ी बदल गई है। तो आइए चलिए मेरे साथ देखिए ये सब इस बार बिजनेस स्ट्रीट में। भारत में ऐसे ऐसे इनोवेशन उभर कर सामने आ रहे हैं जिन्हें देख कर सारी दुनिया दंग रह जाएगी। इन्हीं में से कुछ इनोवेशंस को हम आज आप तक ला रहे हैं। यहां ड्रोन से पावर ट्रांसमिशन लाइन की जांच की जा रही है। इस ड्रोन से प्राप्त जानकारियों को एक सॉफ्टवेयर से प्रोसेस कर पावर ट्रांसमिशन लाइन में वर्तमान या भविष्य में आने वाले दोषों को पकड़ा जा सकता है। इससे दोष को जल्द ठीक भी किया जा सकता है। इसकी इनोवेटर हैं स्वाति। उसी तरह अवेक पॉल ने एक ऐसा इनोवेशन तैयार किया है जिससे भारत में दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल बहुत सरल हो जाएगा। So clinical trial about 3-4 years back was one of the huge industries in India. It was kind of the global hub, but suddenly due to a lot of challenges in regulatory and compliance and other things, it has drastically dropped. So what we have done is put a lot of checks and balances in the process that will help bring or help counter some of these issues so that we can so that India can come back into the the global head global hub for clinical trials down the line. इसी तरह हृदय रोग का उपचार सस्ता करने की विधि निकाली गई है। We can make treatment affordable for all section of society, especially poor section. This is 100% made in India technology, compliance with PM's vision of make in India and Swachh Bharat Abhiyan. Basically, अब हम garbage भी कम produce कर रहे हैं इस machine के बाद। अभी तक हम सारा catheter import करते हैं 100%. इस मशीन के बाद हमारा इंपोर्ट सिर्फ 10% का रह जाएगा। हम 90% कैथेटर रीयूज कर सकते हैं, तो जिससे हम स्वच्छ भारत अभियान पे भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हर साल करीब 30 इनोवेटर्स को पूरे भारत से चुनकर पुरस्कृत किया जाता है और उनकी शोध को स्केल अप कर व्यावसायिक शक्ल दी जाती है भारत सरकार और उनके 6 अन्य पार्टनर्स के द्वारा। इन प्रोग्राम्स से ये जो अवॉर्डीज हैं वो अपने आइडियाज़ शोकेस कर सकते हैं और इसके लिए पैसे भी तब आ जाते हैं, तो उनकी जो आइडियाज़ है तब मार्केट तक जा सकती है। और फिकी भी जो ये प्रोग्राम को इकट्ठा किया है, तो फिकी की तरफ से हम ये आइडियाज़ को इंडस्ट्री तक ले जाते हैं कि ये आइडियाज़ बड़े कंपनी में या छोटे कंपनी हो में ये बस जाए कि इन पर भी मेंटरशिप आ सकता है और पैसे भी आ सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। We created this program to create an ecosystem for innovation and entrepreneurship. And so over the past 10 years we've grown this from 100 applicants the first year to well over 1,000 now, 7,000 in total, over 300 commercialization opportunities, and now $1 billion of economic value that's been created. So we see this program as really an exemplar of Make in India and Startup India, and we're looking forward to the next 10 years of growth beyond this time. इस अवार्ड से एक तो मुझे आगे उसको स्केलिंग करने में बहुत हेल्प होगी, कमर्शलाइज ऑपरेशन कराने में, प्लस एक साथ में ग्रूमिंग भी होगी क्योंकि स्टैनफोर्ड, फिक्की, DST सब साथ में हैं, तो एक ओवरऑल मुझे काफ़ी उनसे हेल्प भी मिलेगी क्योंकि नॉलेज के टर्म्स में एज वेल एज स्केलेबिलिटी करने के टर्म्स में और बिजनेस को काफ़ी ग्रो करने में, और साथ में एक जो गवर्नमेंट और यूटिलिटीज़ के लिए मैं करना चाहती हूँ तो मुझे एक उसमें थोड़ा सा हेल्प मिलेगी ब्रेक इन करने में और अपना सिस्टम समझाने में।
उद्योग जगत की जानी मानी संस्था फिक्की इन इनोवेशंस को स्केल अप करने में सहायता करती है, लेकिन अब प्रोग्राम को नए पायदान पर ले जाना है। आने वाले टाइम में इस प्रोग्राम को हम विदेशों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आसियान कंट्रीज़ में हम स्टार्ट करेंगे। हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं अफ्रीका के साथ में, इंडिया अफ्रीका इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम। वैसे ही हम एक शुरू करने वाले हैं आसियान कंट्रीज़ के साथ में, इंडिया कंबोडिया, इंडिया म्यांमार, इंडिया लेओस, इंडिया वियतनाम, और ये सारे प्रोग्राम्स को इसी में मर्ज कर देंगे। हमने 10 साल में 1 बिलियन किया है, जो नेक्स्ट 10 साल होगा, ऑन बिहाफ ऑफ माई पार्टनर आई कैन अश्योर यू विल डू मिनिमम 3 to 5 बिलियन, 3 गुना से 5 गुना ले जाएंगे इसको। और जहाँ 500 इन्वर्टर सपोर्ट किया है, वहाँ 1500 इन्वर्टर सपोर्ट करेंगे इसको। आप यू कैन टेक इट एज स्टेटमेंट एज मिशन ऑफ आवर प्रोग्राम। सचमुच इस प्रोग्राम से बाहर निकले कई ऐसे इनोवेशंस हैं जो पूरे मानव जगत के लिए बहुत लाभकारी हैं। आज भारतीय बाजार में इको फ्रेंडली फर्नीचर को बेहद लुभावना रूप देकर बेचा जा रहा है, और ये ट्रेंड काफी लोकप्रिय भी हो रहा है। आज बाजार में इको फ्रेंडली फर्नीचर बिक रहे हैं। ये हैं इको फ्रेंडली फर्नीचर के कुछ नमूने। इनमें से कुछ बने हैं डेनिम के स्टिकर्स से, तो कुछ वेस्ट स्लिपर्स को रिसाइकल करके बनाए गए हैं। इको फर्नीचर का जो सारा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ आर यू मेकिंग समथिंग वेयर बाय द वेस्ट क्रिएशन इज मिनिमल। क्योंकि हम लोग सॉलिड वुड फर्नीचर बनाते हैं, तो उसके जितने भी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े बचते हैं, हम उसे फर्नीचर के पीसेज में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से वी रिसाइकल अ लॉट ऑफ वेस्ट, सो वी बाय ओल्ड स्लीपर्स एंड वी कन्वर्ट देम इनटू ब्यूटीफुल सोफास। द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट विच वी डू इज रिसाइकल डेनिम लेबल्स। हम लोग हर जना कपड़े पहनता है और थोड़े टाइम बाद कपड़े फेंके जाते हैं। हर कपड़े के पीछे जो लेबल होता है डेनिम के पीछे खासतौर से, वो रियल लेदर का होता है। अल्टीमेटली दैट गोज वेस्ट इन टू द एनवायरनमेंट, एंड एवरीबडी नोज दैट ट्रीटेड लेदर नेवर रॉट्स, सो इट इज़ ऑलवेज देयर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट। वी कॉल इट द री इनकारनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम पुराने कपड़ों में से वो लेबल्स निकाल के उनके बहुत सुंदर पैचवर्क से सोफास, सीटिंग्स, स्टोरेज मटेरियल्स वगैरह बनाते हैं। ये देखिए, इन स्टूल्स के कुशन रैग्स वेस्ट फटी दरियों से बने हैं। ये टेबल रिसाइकल्ड वुड से बना है, और ये मिरर का फ्रेम न्यूज़पेपर से। ये फर्नीचर ड्यूरेबल और इको फ्रेंडली तो है ही, साथ ही देखने में खूबसूरत है और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं।